वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा सलम माथुर के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शेरगढ़ पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 13 जुलाई को बिसम्बरा में खुर्शीद नामक व्यक्ति की हत्या में वांछित अपराधी जाहिद पुत्र जाकिर उर्फ कुलैया निवासी ग्राम बिसम्बरा शेरगढ़ जनपद मथुरा, जिस पर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। शेरगढ़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जाहिद को अवैध असला, एक तमंचा, 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में खुर्शीद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसी समय से वांछित चल रहा था। सर, आपसे जाने, आज जो अभियुक्त को पकड़ा गया है, क्या कुछ उसके बारे में बताएंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशानुसार जो लगातार वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चल रहा था, उसी के तहत रात में सूचना मिली थी कि एक जो अपराधी 15,000 का इनामी है थाना शेरगढ़ से, उसके आने की सूचना थी और उसी में हमारी थाना शेरगढ़ की जो टीम थी उसने चेकिंग करी पैगाम रोड पर, पैगाम अड्डे पर, और वहीं पर एक 15,000 का इनामी है जिसका नाम है जाहिद पुत्र जाकिर, जो कि विशम्बरा थाना शेरगढ़ का रहने वाला है। ये 2018 में विशम्बरा में 302 का मुलजिम है, हत्या का मुलजिम है, और इस पर 15,000 का इनाम घोषित था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। और उसी क्रम में कल रात में हमारी जो शेरगढ़ थाने की जो पुलिस टीम है, जिसमें हमारे SO प्रदीप कुमार, साथ में अमित भाटी इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक अरुण कुमार नागर, और हमारी जो सर्विलांस टीम है वहाँ के जो गोपाल हैं, उनका अहम योगदान रहा है इस गिरफ्तारी में। और ये 15,000 का इनामी है और ये काफ़ी दिन से फरार चल रहा था और शेरगढ़ पुलिस टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है। क्या कुछ कोई अवैध हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं सर? हाँ, इसके पास एक 315 बोर का कट्टा, वो 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कोई आपराधिक इतिहास अभियुक्त के? इसका 2018 का इस पर मुकदमा था 302 और 307 IPC का, और उसी में फरार चल रहा था, गांव में इसने हत्या करी थी और लगातार ये यहाँ रह नहीं रहा था, दूसरे राज्यों में रह रहा था, और इसका लगातार इसका पीछा किया जा रहा था मुखबरी के आधार पर, और सर्विलांस टीम के माध्यम से फोन की लोकेशन लेके इसको पकड़ा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक इसका अनावरण हुआ। कुछ इनाम इसके ऊपर जो रखा गया था सर, इनाम की राशि 15,000 रुपए का इनाम इसको घोषित था।